क्या आप एविएटर गेम खेलते हैं? क्या आप लूडो खेलते हैं? क्या आप बीसी गेम खेलते हैं? किसी को भी इससे फायदा नहीं हो रहा है, पैसा इन गेम में लगाकर दिवालिए हो रहे हैं। इसलिए मोबाइल ऐप से दूर रहे, इस प्रकार के गेम से दूर रहे। मोबाइल में बच्चा क्या कर रहा है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। डेली राजस्थान पर आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, बी अवेयर बी अलर्ट। जी हाँ, ये वीडियो युवकों के लिए है, युवतियों के लिए है, लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए है, माताओं के लिए है, पिताओं के लिए है। सबको अवेयर रहने की ज़रूरत है, सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग बेटियों को मोबाइल कम देते हैं, इसका सबको पता है, इसके बारे में बेटियों को भी पता है। पर ये जो धारणा बन चुकी है बेटियों को मोबाइल नहीं देने की, इस धारणा को तोड़ने के लिए कहीं न कहीं बेटियों को भी प्रयास करने की ज़रूरत है। ये बताना है कि जो माता पिताओं के मन में धारणा है वो गलत है, ये साबित करना बेटियों की भी जिम्मेदारी है। पर बेटों को सब आसानी से मोबाइल दे देते हैं, और बेटे मोबाइल से क्या कर रहे हैं इस पर माता पिता ध्यान नहीं देते हैं, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों है कि आज के बेटे मोबाइल से कई तरह के गेम खेल रहे हैं, कई तरह की मोबाइल एप्लीकेशन से अनावश्यक लोन ले रहे हैं, कर्जे में डूब रहे हैं, और उसके बाद में जो है कई तरह के क्राइम वो कर रहे हैं। ऐसा ही एक क्राइम किया है उदयपुर ज़िले के गोगुदना कस्बे के एक युवा ने। उसने क्या कुछ किया उसके बारे में हम बात करेंगे गोगुंदा थाने के कांस्टेबल प्रदीप कुमार जी से। वो बताएंगे कि युवा किस दिशा में जा रहे हैं और क्या एक घटना सामने आई है। हमारे साथ में है गोगुंदा थाने के प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी नमस्ते। नमस्ते प्रदीप जी, आप बताइए ये जो पिछले दिनों एक घटना हुई थी, थोड़ा उसके बारे में बताइए, और उसके साथ में फिर इस तरह के और मामले के कैसे सामने आ रहे हैं, और युवाओं को और उनके परिजनों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, थोड़ा सा बताइए। ये अपने गोगुंदा थाने का एक लड़का था, गोगुंदा सर्कल का, वो गेम खेलता था, एवेटर करके कोई गेम था, उसमें पैसे लगाए, वो पैसे लॉस में चले गए। उस लॉस को कवर करने के लिए आसपास के साथियों से वापस पैसे उधार लिए, वो भी लॉस में चले गए। तो लोगों ने वापस पैसे मांगने चालू करे, तो वो घर वो मांगने वालों से परेशान होकर यहाँ से फ़ोन बंद करके रवाना होकर सूरत चला गया। वहाँ जाके कोई नौकरी करने लगा, घर वाले परेशान हो गए, घर वालों ने थाने पर आकर रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद श्रीमान थानाधिकारी महोदय ने रिपोर्ट हेड साहब के जिम्मे करी, और मैं और हेड साहब उनको पता किया, तो वो अपने साथी के साथ सूरत में काम कर रहा है, वो गया था। फिर हम यहाँ से रवाना हुए, उसको लेके आए, उसको समझाइश की, वापस घर पे रवाना किया। परिजनों को वो क्या कह के गया था? परिजनों को उसने ये कहा कि मैं उदयपुर जा रहा हूँ, बाकी उसने कुछ नहीं कहा, और उदयपुर जाके मोबाइल बंद करके वो रवाना हो गया। और इस तरह का करने के पीछे रीजन क्या रहा, वो सूरत क्यों गया, फिर थोड़ा पूछा होगा? रीजन तो ये रहा कि लोग परेशान करने लगे पैसे के लिए वापस, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं क्या करता, या तो सुसाइड करता या फिर और कोई काम करता, तो मैं गुजारा चला गया। उसकी क्या उम्र है और कितना पैसा उसने मार्केट से उधार ले रखा था? उम्र तो ये 18 से 22 साल के बीच का है, और मार्केट से लगभग 4 से 5 लाख रुपए का उधार है उसके ऊपर। क्या वो चार पांच लाख रुपए चुक गए हैं उनके? धीरे धीरे उसको घर वालों को समझाइश करी है, घर वालों ने कहा, आश्वासन दिया उसको भी, कोई नहीं, अपना एक बार हार गए तो हार गए, अगली बार ये करेंगे नहीं, और पैसा देंगे लोगों का जो भी है। गोगुंदा में चूंकि आपकी बहुत सक्रियता रहती है, काफी युवाओं से भी आप टच में रहते हैं, इस तरह के कितने एक मामले सामने आ रहे हैं आसपास? ये लोकल थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, आसपास में बहकाव में आ जाते हैं, फिर एक दूसरे से टच में आने से कोई अनदर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें लॉस भी लगता है, फिर उसको प्रॉफिट करने के लिए वापस नुकसान में जाते हैं। ऐसे और मामले पहले भी सामने आते हैं ना मोबाइल वाले? हाँ, खूब आते हैं अपने गोगुंदा में। तो अभी हाल ही में प्रदीप जी एक केस और हुआ है कि कुछ गोगुंदा के ही युवाओं ने एप्लीकेशन का यूज करके किसी कंपनी से बहुत सारा पैसा ले लिया। हाँ। ये क्या मामला है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये कोई एप्लीकेशन थी, लोन प्रोवाइड कराती है वो कंपनी, और वो भी खाता वेरीफाई हो जाए उसके लिए कंपनी अपने खुद की तरफ से कुछ पैसे डालती है। तो लोगों ने यहाँ एप्लीकेशन डाउनलोड करी, उसमें बार बार लॉगिन किया, लॉगिन करके खूब प्रॉफिट कमाया है। अब वो कंपनी में धीरे धीरे वापस जमा करा रहे हैं, लेकिन वो है तो अननेसेसरी पैसा, गलत ही है। लोग कहते हैं कि ये तो पैसा हमने, हम क्या करें, कंपनी ने हमको दिया, लेकिन क्या ये ठगी है, ये कानून में कैसे गलत है, ये आप बताएं। एक प्रकार की वो तो एक ओनली वन टाइम के लिए देती है, लोगों ने बार बार किया है,
है तो गलती, कंपनी तो प्रोसेस एक बार करती है भी, एक बार आपका खाता वेरिफिकेशन हो जाए, जो आपको लोन के जो दस्तावेज वेरीफाई हो जाए, फिर आपका जो भी राशि वो लोन किया जाए। लेकिन लोगों ने इसको बार 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 करके गलती किया है। ये कितनी राशि रही होगी यहाँ पे? लगभग 10 लाख के आसपास है। और ये वापस जमा करानी पड़ेगी? वापस जमा करानी ही पड़ेगी, बाकी अन्यथा परेशान हो जाएंगे। क्या आप एविएटर गेम खेलते हैं? क्या आप लूडो खेलते हैं? क्या आप बीसी गेम खेलते हैं? और इन सब से आपको कितना फायदा हुआ है सोचिए। अगर आपको फायदा नहीं हुआ है तो किसी को भी इससे फायदा नहीं हो रहा है, और सब लोग जो है पैसा इन गेम में लगा कर दिवालिये हो रहे हैं। ऐसे कई दिवालिये लोगों से मैं मिला हूँ, न केवल वो पैसों से नुकसान में रहे हैं बल्कि परिवार को भी जो है आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसलिए मोबाइल ऐप से दूर रहे, इस प्रकार के गेम से दूर रहे, और इन तमाम चीजों से आप दूर रहे, अन्यथा हर परिवार आर्थिक समस्याओं से जूझेगा, हर परिवार दिवालिया हो जाएगा। माता पिताओं के लिए भी एक संदेश है कि अपने बच्चों के ऊपर नजर जरूर रखें। मोबाइल तो आपने दे दिया है, लेकिन मोबाइल में बच्चा क्या कर रहा है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप ये जानकारी नहीं रखेंगे तो ये जो युवा की बात प्रदीप जी ने बताई है, ऐसी हर बच्चे की हालत हो जाएगी, ऐसी दशा हर परिवार की हो जाएगी।